गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शुरू में उसका स्टेटमेंट देखना है और बाद में उसको अपने को प्रूव करना है। स्टेटमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या एक बार थोड़ा ध्यान में लेना है। एरिया डीएस के लिए हमने डिफाइन किया था, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया इज का लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फार्मूला अपन ने ई डॉट डी एस लिया था या ई कॉस थीटा इनटू डी एस इस प्रकार से लिए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम या उसके एप्लीकेशन जब देखने होते हैं तो जिसके द्वारा जिस सरफेस द्वारा चार्ज को एनक्लोज्ड किया जाता है, चाहे वो इमेजिनरी सरफेस हो, उसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। वो क्लोज्ड सरफेस होता है और उसके अंदर चार्जेस होते हैं, उसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। वो एक पॉइंट याद ध्यान में रखना है। एक और ध्यान में रखना है, हमने रेडियन स्टेरेडियन मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसी दो बातें डिस्कस किए थे मेजरमेंट चैप्टर में। प्लेन में बनने वाला एंगल यानी प्लेन एंगल, लेकिन सर्टन एरिया द्वारा बनाने वाला बनाया गया एंगल यानी सॉलिड एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था झूले का, उसके जो साटा डंड बोलते हो एक जगह अगर लेके गए तो झूले द्वारा जो एरिया बनेगा, या सिंपली आपने आइसक्रीम खाई हो आइसक्रीम का जो कोन होता है बॉटम जो सर्फेस है उसके द्वारा वर्टेक्स पे बनाया गया एरिया यानी सॉलिड एंगल, यानी एरिया द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है वो यानी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से बताया जाता है। जैसे समझो फुटबॉल के ऊपर आपने 50 पैसे की कॉइन या 1 रुपए की कॉइन रखकर पूरा सरफेस बना लिया हो, और एक पॉइंट द्वारा एक रुपए के एक पॉइंट द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा वो है डी ओमेगा। फिर पूरे सरफेस द्वारा जो बनाया जाएगा फुटबॉल के सेंटर पे वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा और दैट इज इक्वल टू 4 पाई। यानी जब स्पेस में आ जाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन 4 पाई हो जाता है। अगर हम प्लेन में रहते तो उसको 360 डिग्री यानी 2 पाई लिया जाता है। तो ये बात याद ध्यान में रखनी है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जब भी जरूरत पड़ेगी। अब हम पहुंचते हैं स्टेटमेंट में और बाद में उसको अपने को प्रूव करना है। तो यहां मैंने क्लोज्ड सरफेस बताया है, क्लोज्ड सरफेस यानी इसको गॉसियन सरफेस भी कहा जाता है। ये एनी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, इसलिए क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप, क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप। उसके अंदर मैंने q1 पॉजिटिव, q2 नेगेटिव, q3 पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार के बहुत सारे चार्जेस बताए हैं। कितने भी हो सकते हो, सिंगल भी रह सकता है, आवश्यक नहीं, बहुत सारे हो, और उनको कहीं भी बताया गया, मतलब उनकी पोजीशन उस सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकती है। मतलब ये हो गया हमारे लिए क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप एनक्लोजिंग एनी नंबर ऑफ चार्जेस, कितने भी नंबर में हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो, सिचुएटेड एट एनी पॉइंट, सिचुएटेड एट एनी पॉइंट। तो देखो एक बार और, क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप enclosing any number of charges situated at any point, situated at any point, then ये condition है, closed surface of any shape enclosing any charges situated at any point, then उसके बाद जो total flux होता है उस surface से निकलने वाला, the total flux through the surface यानी कि integration of E dot ds is always equal to 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। स्टेटमेंट और एक बार, क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप एनक्लोजिंग एनी नंबर ऑफ चार्जेस सिचुएटेड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस, देन टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी ई डॉट डीएस इंटीग्रेशन में इज इक्वल टू 1/ε0। अगर सिंगल चार्ज लेते हैं हम, जहां यहां लेने वाले हैं समझो क्यू, तो 1/ε(q) ये हमें प्रूव करके बताना है, ये हमें प्रूव करके बताना है जो कि गॉस थ्योरम है। तो हम चलते हैं अब प्रूफ में। स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से सबके ध्यान में आ गया है।
प्रूफ के लिए मैंने यहां एक डायग्राम बनाया है, ये क्लोज्ड सरफेस है, ये की शेप, एक सिंगल चार्ज मैं ले रहा हूं q या पॉइंट o, सरफेस का एक एरिया ले रहा हूं ds, उसमें ये इस प्रकार की ये परपेंडिकुलर पार्ट है e cos थीटा, एरिया ds है r डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले मैं उस यानी आपको लेना पड़ेगा कंसीडर क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप एनक्लोजिंग, बहुत को जनरलाइज करने के लिए लिखना है ये नंबर ऑफ चार्जेस इनसाइड, लेकिन यहां हमने एक सिंगल चार्ज लिया है q एट पॉइंट o, दैट अ डिस्टेंस आर देयर इन एरिया ds इज लाइक दिस टू दिस एरिया एट पॉइंट p एंड e cos थीटा इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ e टू द एरिया ds। नाउ एट पॉइंट टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई k एप्सिलॉन 0 इनटू q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है, और e न्यूमेरिकली इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस उस पॉइंट के लिए होता है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसको डायरेक्ट लेते हैं तो e cos थीटा लिया जाता है। अब हम आ जाते हैं फ्लक्स के लिए, अब ये होल सरफेस है उसका एक छोटा सा पार्ट है ds है, तो उसके लिए सब जो फ्लक्स का फार्मूला d phi इक्वल टू ये हो जाएगा e cos थीटा इनटू ds हो जाएगा, अगर e परपेंडिकुलर होता तो e इनटू ds लेते e cos थीटा इनटू ds, e की जगह पे 1 अपॉन 4 पाई मैं ये की बात करके चलते थोड़ी देर के लिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी एयर मीडियम है समझो सराउंडिंग में, q बाय r स्क्वायर इनटू cos थीटा इनटू ds, इसको थोड़ा स्प्लिट करता मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अलग q अलग ds cos थीटा सॉरी r स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। वहां चलो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू इनटू ये हो जाएगा डी ओमेगा, बिकॉज़ डी ओमेगा इज डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अगर एरिया परपेंडिकुलर होता तो डीएस लेते ई के डायरेक्शन को, या ई परपेंडिकुलर नहीं एरिया तो मतलब परपेंडिकुलर पार्ट लेना पड़ेगा जो डीएस कॉस थीटा अपीयर होगा। सबसे पहले देखो r डिस्टेंस पे q चार्ज द्वारा e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर, यहां r डिस्टेंस पे ds है, उस केवल ds से पास होने वाला या लिंक जो भी फ्लक्स है केवल ds के लिए, तो d phi e cos थीटा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली इनटू गिवन एरिया यानी कि ds, बट e इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बाय r स्क्वायर इनटू cos थीटा इनटू ds, स्प्लिट करके लिख रहा हूं वही है कुछ भी चेंज नहीं है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q, इसको लिखा मैंने ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, बट ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है d ओमेगा, तो ये छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स हो गया, छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स हो गया, और फ्लक्स का फार्मूला एरिया के लिए होता है e इनटू ds जो कि d phi था। अब अगर मुझे पूरे एरिया के लिए लेना है तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ d phi, मुझे क्या देगा phi और phi यानी कि e dot ds, तो देखो मेरे लिए e dot ds क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e dot ds अगर उधर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इधर भी ये इंटीग्रेशन भी लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 4 pi epsilon 0 into q into d omega, यहां 1 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है एप्सिलॉन 0 के साथ, q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचेगा d ओमेगा, बट इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा होता है 4 पाई, इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q इनटू 4 पाई, 4 पाई 4 पाई कैंसिल हो गया, ये मेरे लिए क्या बचा देखो q इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 या 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू q, मैंने यहां सिंगल चार्ज लिया, अगर सभी चार्जेस लेता तो सबका फ्लक्स यानी यहां समेशन ऑफ q1 q2 अप टू qn हो जाता, और ये स्टेटमेंट है टोटल फ्लक्स थ्रू द एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, यहां हमने q लिया इसलिए q